बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक कोलाची की टीम की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद। डेटा साइंस के इस कोर्स में पाइथन की नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। तो टुडे वी आर हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, आइए देखते हैं हम लोग अपने कोर्स के आउटलाइन में। कोर्स के आउटलाइन में हमारी आ गया है सेकेंड टॉपिक, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आइए चले इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ये वही ऑपरेटर्स हैं जो हम अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अच्छा ये डबल डिवाइड का साइन है ये आपको बता दूंगा। परसेंटेज बेसिकली पाइथन में परसेंटेज नहीं मॉड्यूलस के लिए होती है, और डबल स्टेरिक पावर के लिए। तो आइए चले इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि किस तरह ये परफॉर्म होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। तो लेट्स सपोज 2 + 2, देखते हैं ये क्या, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए जैसे पाइथन एक में प्री डिफाइंड कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं। तो हम लोग अगर सिर्फ इसमें नंबर भी लिख के साइन करते हैं तो ये वेरिएबल इसमें आ जाता है, तो इसमें आपका आउटपुट आ जाता है। अब करते हैं 2 - 4, -2। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारे पास 2 × 2, तो 4 आंसर आया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर डिवीजन, 2 × 4 करते हैं, 2 करते हैं। यहाँ पे 1.0 क्यों आंसर दे रहा है? बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें डेटा टाइप्स होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारे पास सिंगल डिवीजन का मतलब होता है फ्लोट डिवीजन, फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट। अच्छा फ्लोट को आप इस तरह कंसीडर करें, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, जिस वैल्यू में पॉइंट आ जाए ना वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहलाती है। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को समझने का आसान तरीका ये है कि डॉट ना समझे पानी की सतह है, और जो नंबर है वो जो डॉट के बाद नंबर हो पानी के नीचे है और जो डॉट से पहले नंबर हो पानी के ऊपर है, इशारे कर रहे हैं फ्लोट। तो आई होप आप लोगों को इस तरह समझ में आ जाए कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। अब चलिए 2 को डबल डिवाइड करके देखते हैं, जो डिवीजन हमने उसमें देखा था अपने चार्ट पे। 2 को डबल डिवाइड करके 2 से करते हैं तो आंसर आता है 1। अब ये इंटीजर डिवीजन, सिंगल डिवीजन फ्लोट थी, ये डबल डिवीजन। चले आए इसको थोड़ा सा मैं आपको डिक्लेयर कर दूँ यहाँ पर, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इसमें हम लोग ने क्या करा था, फ्लोट डिवीजन। ये फ्लोट डिवीजन थी हमारी, नाउ ये है हमारे इंटीजर डिवीजन। अब हमने पढ़ा था डबल स्टैरिक, 2 × 2 ये पावर है। बेसिकली ये की जाती है राइट टू लेफ्ट, तो ये यहाँ से होगी। तो पहले 2 को फिर होगा यहाँ पे, 2 से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, देन उस सेकंड 2 पे जाएगी, तो इसकी 4 वैल्यू आई। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 6, देन रन करते हैं 6, 36। तो यहाँ पे 6 की पावर 2, तो
इसका समझने का तरीका ये है कि मतलब हमने ब्रैकेट में लिखा है 6, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, और इसकी पावर लगा दी है 2। तो यहाँ पे यही तरीका हो रहा है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट तो लगा नहीं सकते, हमने डबल स्ट्राइक लगा के इसको सॉल्व किया। तो आए चले एक साथ दो तीन को वेरिएबल्स को सॉल्व वगैरह करके देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस बाय 18 डबल डिवीजन बाय 20 डबल पावर बाय 22। तो चलो हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या आ रहा है, देन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर किस तरह क्यों आया, तो ये रूल्स वगैरह क्या है। इसका आंसर है 8.66666। अच्छा, अब ये आंसर इस ऐसे आया कि मैं आपको बताऊँ पावर ये ऐसे। अच्छा, अब इसमें अब हम लोग का कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, हमारा इसमें रूल अप्लाई हुआ है डिमास रूल। अच्छा, डिमास रूल जो हमने बेसिकली मैथ में पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड लास्ट में आती है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो अब आप लोग कहेंगे कि इसमें डिवीजन में एक इंटीजर भी था एक फ्लोट भी था, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे प्रिफर ज़्यादा किया जाता है फ्लोट डिवीजन। तो इसकी ऐसे इसकी वैल्यू फ्लोट में आई। चले सेकंड देखते हैं, अब इसका एक और बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे अर्थमेटिक अपने। चल ऊपर वाली ही वैल्यू सारे रखते हैं और चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है दोबारा। 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, देन अगेन हम ब्रैकेट रखते हैं, टेन माइनस 18। अच्छा, ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई था के बाद हम करेंगे इसको डबल फ्लोट डिवीजन इंटीजर डिवीजन सॉरी, देन इसके बाद हम इसको ब्रैकेट में दोबारा रख के 20 पावर बाय 22। अब इसका आंसर आया -1.0। हाँ, ये क्यों आंसर इसका चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ है बॉड मास का। बॉड मास में क्या होता है, BDMAS। बॉड मास भी कोई इतना खास नहीं है, बॉड मास में सिर्फ जो होता है पहले होता है BRACKET ब्रैकेट्स, पहले वो सॉल्व करेगा ब्रैकेट्स को, देन आएगा वो डिवीजन वगैरह के ऊपर। तो पहले ब्रैकेट्स देन फिर डिवीजन DI के बाद मल्टीप्लीकेशंस एडिशंस एंड लास्ट में आता है वो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस का। तो ये हमारे अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, जो इसको हमने देखा कि वो किस तरह सॉल्व वगैरह होते हैं और किस तरह इनको हम लोग काम करते हैं, किस तरह इनको परफॉर्म वगैरह किया जाता है। आए चले अब इसको थोड़ा वेरिएबल्स के असाइनमेंट में करके चेक करते हैं। लाइक ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5, सी एक वेरिएबल साइन करा ए प्लस बी, ये इसका मतलब रन हो गया, कोई एरर नहीं था। अब इसको प्रिंट कराते हैं सी को।
आंसर आया 5565। तो अच्छा चलें दोबारा प्रिंट को सही कराते हैं और इसके साथ आप थोड़ा इसको थोड़ा प्रिटी करके सम ऑफ ए एंड बी इज यहाँ पे सी। सम ऑफ ए एंड बी इज 5565। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे जिसको हमने चेक देखा किस तरह ये काम किए जाते हैं, किस तरह इनको परफॉर्मेंस वगैरह होती है। तो ये आई होप आप लोगों को इसमें कोई इशू ना आया हो, कोई इशू आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे क्या क्वेश्चन है, क्या हम लोग उसको रिजॉल्व करके आपको क्यूरीज को बताएंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ज़्यादा चाहता हूँ क्योंकि देन हम इसके बाद आपके उसको पढ़ाएंगे इंटीजर्स वगैरह, हमारा आज का टॉपिक कवर होता है। तो इंशाल्लाह फिर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और आप लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।